Everyone, welcome to the basic and advanced SAS tutorial. Today we are doing another part of the SAS 9.4 base programming routine based exam, which is SAS certified base program. So we continue with the previous session. So what we have done today, we are doing another part of managed data. So here's my content, just SAS 9.4 base programming routine based exam. So we have done the access and create data structure part. The data, combined data set, manipulate, crop, heap. Today we are doing the managed data set. So sort observation we have already done, if then else statement we have done, the assignment statement we have done. Today we are doing the modify variable attributes using the options and statement in the data step. So change the name of variable using the rename data set operations. And use label format statement, modify the attributes in the data step and define the length variable using the length statement. So let's go my today we are doing the modify variables. So first we are doing the rename statement. So rename statement specify a new names for a variables in output sets data set. So rename basically kya hota hai ki aapko data ka एक वेरिएबल है ऑलरेडी इन एक्सिस्टिंग डेटा, आप उसको न्यू नेम देना चाहते हो, सो गिविंग अ न्यू नेम्स. रीनेम कैन नॉट बी यूज्ड इन अ प्रॉप स्टेप्स बट द रीनेम डेटा सेट सेट ऑप्शन कैन. सो आप रीनेम क्या प्रॉप स्टेप के अंदर यूज नहीं कर सकते बट रीनेम डेटा सेट के अंदर यूज कर सकते हैं. द रीनेम डेटा सेट ऑप्शन इनेबल यू टू स्पेसिफाई द वेरिएबल्स दैट यू वांट टू रीनेम for each input or input output data set. Use it input data sets to rename the variables before processing. So let's see the example of SAS Studio. This is my SAS Studio. So today first we are doing the rename statement. So rename kaise use karte hain, data step ke liye use karte hain. Maine input liya score 1 minus score 3 aur uske andar maine kiya hai नेम के अंदर जो किया है 2 point, ठीक है, वेरिएबल की लेंथ दे रहे हैं इसके अंदर. स्कोर्स यहाँ पे स्कोर 1, स्कोर 2, स्कोर 3, ये क्या है, स्कोर मैंने ना डिफाइन करा, मुझे स्कोर 1, 2, 3 लिखना पड़ता, तो मैंने सिर्फ ऐसे लिखा है स्कोर 1, 2, स्कोर 3. वेरिएबल की लेंथ क्या है 2.1 है और प्लस 1 है. नेम क्या है मेरे नेम ये है, स्कोर्स ही है 12, 24, 36, 22, 44, 66, नेम ये है. तो स्कोर 1, 2, स्कोर 3 दे लिया. अब मुझे क्या करना है, रीनेम करना है नेम को फर्स्ट नेम से. मैंने कहा रीनेम कर दू, नेम जो हो जाए डेटा में से वो फर्स्ट नेम हो जाए. रीनेम स्टेटमेंट ऑलवेज अबव आती है डेटा के, जैसे आप इनपुट लिखोगे उसके नीचे रीनेम की स्टेटमेंट आएगी. ये नहीं कि डेटा लाइन के बाद आप दो, डेटा लाइन से पहले स्टेटमेंट आएगी. मैंने नेम करा, देन फर्स्ट नेम, और फिर करा मैंने स्कोर 1, 2, स्कोर 3 जो वेरिएबल है वहां पे क्या लिखा हुआ है, स्कोर 1, 2, स्कोर 3. आउटपुट देखते हैं डेटा सेट का. डेटा मैंने रन करा, जैसे अब यहाँ पे आउटपुट आ गया न्यू स्कोर 1, न्यू स्कोर 2, न्यू स्कोर 3. यहाँ पे देखो वहां पे क्या लिखा था, न्यू स्कोर डैश न्यू स्कोर 3, उसने न्यू स्कोर 2 भी दे दिया. जैसे लेट सपोज मैं इसके अंदर ऐसे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल. अब मेरे पास 10 स्कोर्स होते हैं यहाँ पे, मतलब मेरे पास 4 स्कोर्स हैं, लेट सपोज मेरे पास 4 स्कोर्स हैं मेरे पास, तो मैं स्पेस करके ही ऐसे दे दूंगा 42. तो वो 4 टाइम्स तक मुझे फर्स्ट और लास्ट वेरिएबल देना है सिर्फ. मैंने यहाँ पे न्यू स्कोर 4 कर दिया, न्यू स्कोर 4 कर दिया. अब मैं इसको रन करूंगा तो क्या करेगा, मेरा स्कोर 1 से लेके न्यू स्कोर 1 से लेके न्यू स्कोर 4 तक उसने वेरिएबल दे दिए. एक मैंने रेंज करी थी, ब्रैकेट के अंदर ऑलवेज देना पड़ेगा ये आपको, स्कोर 1 स्कोर 4, ठीक है. हमने कहा 2.1 और जो प्लस क्या है, प्लस 1 को मैंने किसको करा, प्लस 1 करा है कि 1-1 का गैप है, स्कोर 1 का है, स्कोर 2 है, स्कोर 3 है, स्कोर 4 है, ठीक है. 0.2 लिया क्योंकि उसकी वेरिएबल की लेंथ 2 point है, 2 decimals, 2 तक है, 2 लेंथ है, इसलिए मैं 2 point दिया है, कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसलिए ब्लैंक दिया, ठीक है. हम रीनेम से ऐसे कर सकते हैं, सिर्फ नेम लिखा
और जो वेरिएबल उसको असाइन करना है, नेम पे द फर्स्ट नेम को असाइन करना है, पहले नेम का और फर्स्ट नेम कर दिया, स्कोर 1 टू स्कोर 4 इज इक्वल टू करा न्यू स्कोर 1 टू न्यू स्कोर 4 कर दिया, तो इजीली रीनेम कर दिया। सिर्फ टॉप स्टेप में ऐसे यूज करते, डेटा स्टेप में सॉरी ऐसे यूज करते हैं रीनेम का। इट्स बहुत यूजफुल है रीनेम स्टेटमेंट, बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम, ठीक है, डेली लाइफ। कंपेरिजन नेक्स्ट करते हैं हम लेबल स्टेटमेंट। लेबल स्टेटमेंट क्या होती है? सो लेबल स्टेटमेंट असाइन अ डिस्क्रिप्टिव लेबल्स टू वेरिएबल्स। लेबल स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन अ डेटा स्टेप विद इन द प्रॉक स्टेप्स। सो लेबल स्टेटमेंट क्या होती है? इस असाइन वेरिएबल्स, हमें टू वेरिएबल सेम जैसे रीनेम होता है वैसे ही होता है। ये भी एक एग्जांपल देखते हैं डेटा स्टेप का। मैंने कहा यहाँ पे डेटा स्टेप या सेल डॉट कास्ट का डेटा लिया और उसको बग डॉट कास्ट के अंदर कॉपी कर दिया, सेट स्टेटमेंट करके कॉपी कर दिया स्टेटमेंट को। अब लेबल स्टेटमेंट लगाया, मैंने कहा लेबल एमएसआरपी, जो एमएसआरपी है मेरे कार डेटा में वो क्या हो जाए, स्ट्राइकर प्राइस के नाम से आ जाए, ठीक है, वो हमने वहां पे असाइन कर दिया और रन कर दिया उसे। देन मैंने कहा कि डेटा सेट, अपने यहाँ पे प्रॉक डेटा सेट का यूज करा, मैंने कहा लाइब्रेरी इक्वल टू में वर्क हो जाए और मॉडिफाई करते कार्ड्स को, जो कार्ड्स का डेटा है उसको मॉडिफाई कर दे और लेबल कर दे इनवॉइस को डीलर कॉस्ट से, ठीक है, क्विट कर दिया। नेक्स्ट करा मैंने प्रॉक प्रिंट डेटा वर्क डॉट कास्ट, वर्क डॉट कास्ट का हमारा डेटा था। अब लेबल, अभी लेबल स्टेटमेंट हमने अगर डेटा स्टेप के अंदर यूज करा है तो हमें यहाँ पे भी देना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लेबल स्टेटमेंट नहीं दूंगा तो क्या होगा, जो यहाँ पे हमने डेटा स्टेप के अंदर लेबल बनाया है एमएसआरपी वाला, वो हमें शो नहीं होगा मेरे रिजल्ट में। इसलिए जो लेबल स्टेप हम प्रॉक डेटा स्टेप में लगाते हैं, अगर तो हमें प्रॉक स्टेप में यहाँ पे प्रॉक प्रिंट डेटा, जैसे डेटा फाइल का नाम देते हैं, उसके बाद हमें लेबल लिखना पड़ेगा, तो फिर उसका आउटपुट देगा, नहीं तो नहीं देगा। लेबल ऑप्शन डिस्प्ले द लेबल नेम्स इन प्रॉक प्रिंट। अब मैंने कहा लेबल टाइप इक्वल टू स्टाइल्स। अब लेबल स्टेटमेंट प्रॉक पर भी यूज कर सकते हैं, डेटा स्टेप में यूज करते हैं, लेकिन रीनेम जो स्टेटमेंट थी वो सिर्फ हम डेटा स्टेप के अंदर ही यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रॉक स्टेप के अंदर मुझे डेटा फाइल के साथ नाम देना जरूरी नहीं है, बस वो लेबल स्टेटमेंट का हमें देना जरूरी होता है। अब डेटा को रन करके देखते हैं पूरे डेटा को हमारे। सो जैसे मैंने डेटा में वन बाय वन यूज करते, पहले पहले हम ये प्रॉक डेटा सेट वाला पूरा यूज करते। सो प्रॉक डेटा सेट ने क्या करा, प्रॉक डेटा सेट ने इसका वहां पे कार्स का डेटा बता दिया, कितने बाइट्स का लास्ट मॉडिफाइड का। तो प्रॉक डेटा सेट क्या है, सिर्फ एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है डेटा के बारे में, ठीक है, लेकिन जो हमें मेन जो डेटा देखना था वो प्रॉक प्रिंट करके देखना, प्रॉक प्रिंट करके देखते हैं डेटा का। सो प्रॉक प्रिंट करा, अब जो एमएसआरपी था वो क्या कर दिया उसने, यहाँ पे एमएसआरपी था उसको स्ट्राइकर प्राइस कर दिया, और जो डीलर कॉस्ट था, डीलर कॉस्ट हमने क्या बोला था, इनवॉइस को डीलर कॉस्ट कर दिया और लेबल टाइप को स्टाइल कर दिया, लेबल टाइप को स्टाइल कर दिया डीलर कॉस्ट से। तो ऐसे हम लेबल स्टेटमेंट का यूज करके अपने डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं और कुछ प्रेजेंटेबल डेटा बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फॉर्मेट की। नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, नेक्स्ट स्टेटमेंट फॉर्मेट स्टेटमेंट। फॉर्मेट स्टेटमेंट एसोसिएट फॉर्मेट्स विद द वेरिएबल्स, स्पेसिफाई द टेंपरेरी डिफॉल्ट फॉर्मेट फॉर डिस्प्लेइंग द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल दैट आर नॉट लिस्टेड इन द फॉर्मेट स्टेटमेंट। दिस डिफॉल्ट फॉर्मेट्स अप्लाई ओनली टू द करंट डेटा स्टेप्स, दे आर नॉट परमानेंटली एसोसिएटेड विद द वेरिएबल आउटपुट डेटा सेट। तो क्या होता है, फॉर्मेट स्टेटमेंट क्या करती है, फॉर्मेट अप्लाई करती है मेरे वेरिएबल्स पे, बट इट्स नॉट अ परमानेंट, ये परमानेंट नहीं करती है, टेम्परेरी करती है, जब आपका डिस्प्ले के लिए ही स्टोर करती है और वो परमानेंट डेटा सेट में स्टोर नहीं होता है फॉर्मेट, ठीक है। दिस इज एग्जांपल ऑफ यूजिंग अ फॉर्मेट स्टेटमेंट टू असाइन अ सिंगल फॉर्मेट टू द मल्टीपल वेरिएबल्स। एग्जांपल देखते हैं, डेटा लिया हमने डेटा रिपोर्ट के नाम से, अब इनपुट करा उसके अंदर आइटम को, मटेरियल को, इन्वेस्टमेंट को, प्रॉफिट को। इन आइटम की लेंथ मैंने कर दी 126 और डॉलर किस लगाया, क्योंकि वो मेरा वर्ड्स में डेटा है, कुछ अल्फाबेटिकल डेटा है। देन मटेरियल ये मैंने वो भी अल्फाबेटिकल है, इन्वेस्टमेंट मेरे नंबर्स और प्रॉफिट का नंबर्स। अब मैं क्या करूँ, फॉर्मेट स्टेटमेंट का यूज करें, बेसिकली यूज फॉर
फॉर्मेटिंग करनी है डेटा पे। फॉर्मेटिंग क्या करूंगा, आइटम मटेरियल क्या हो जाए अपर केस में आ जाए, जो अप केस करके 9 पॉइंट लगा रहे हैं तो ये अपर केस कर देगा मेरे डेटा को। जैसे शर्ट और कॉटन है वो अपर केस हो जाए, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट जो है वो डॉलर में आ जाए। तो डॉलर 15 का यूज करते हैं, ये भी फॉर्मेट वेरिएबल्स हैं, ये फॉर्मेट के स्टाइल है। फॉर्मेट आपको अगर लिखना है डॉलर करना है, डॉलर लगाना है उनके आगे, तो आपको डॉलर लिखना होगा 15.2। तो सिंपल इंग्लिश कीवर्ड है, सिंपल इंग्लिश कीवर्ड यूज होते हैं सेल्स के अंदर। अपर केस करना था तो अप केस कर दिया, डॉलर लगाना था तो डॉलर लिख दिया, 15.2 लिख दिया उसने, डॉलर केस लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट ये मेरे पास डेटा है, डेटा को आप रन करके देखते हैं। ऑप्शन स्टेटमेंट का इसलिए यूज करते हैं बेसिकली क्योंकि मुझे अगर डेटा को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख रहा है, इस ऑप्शन स्टेटमेंट पेज नंबर 1 पे आ जाए, नो डेट हो उसके अंदर, डेट नहीं होनी चाहिए, एल एस और पी एस उसकी तो लेंथ होती है वो उसको करने के लिए। ठीक है, आप डेटा को रन करते हैं तो मुझे फॉर्मेट स्टेटमेंट का यूज कर लिया हमने, प्रिंट डेटा रिपोर्ट टाइटल बना दिया इसका, प्रॉफिट समरी ऑफ KLM मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम दे दिया कि आइटम। अब क्या करें, जो आइटम्स नेम को जैसे कैपिटल हम अपर केस में चाहते थे अपर केस में कर दिया, मेटल को भी कर दिया और यहाँ पे डॉलर फॉर्मेट यूज कर दिया इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के ऊपर। तो विद हेल्प ऑफ प्रॉफिट फॉर्मेट स्टेटमेंट हम ऐसे कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं अपने डेटा को और कुछ हेल्पफुल और प्रेजेंटेबल बना सकते हैं अपने स्टेटमेंट को विद हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज लेंथ स्टेटमेंट। लेंथ स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं लेंथ स्टेटमेंट स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द बाइट्स ऑफ सॉर्टिंग। लेट्स सपोज मुझे सॉर्ट करना है मेरे डेटा को, सो कैसे सॉर्ट करना है उसको, फॉर स्टोरिंग द डेटा, फॉर स्टोरिंग ऑफ वेरिएबल। सो लेट्स सपोज मुझे अपने डेटा की जो वेरिएबल की लेंथ जो उसकी क्या करनी है, लेंथ उसकी इंक्रीज करनी है। सो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, जब भी सेस के अंदर हमारी जो बाय डिफॉल्ट लेंथ होती है वो कितने बाइट्स की, 32 बाइट्स की होती है, 32 होती है बाय डिफॉल्ट, 8 बाइट्स की होती है, सॉरी 8 बाइट होता है, 8 कैरेक्टर्स होता है, 32 बाइट्स होता है, 32 बाइट्स एंड 8 तक होती है उसकी जो लेंथ होती है, 8 वेरिएबल तक ले सकता है, 8 कैरेक्टर्स ले सकता है। ठीक है, सो मेरे पास एक डेटा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे इन फॉर्मेट का यूज कर रहा हूँ, उसके अंदर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम करके 15 मैंने लेंथ लिया और n1 6.2 लिया, इनपुट लिया उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम और n1 n2। लेंथ का स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं, हमने कहा लेंथ जो नेम की है वो 25 कैरेक्टर्स की ले रहा हूँ और डिफॉल्ट 4 है, बाय डिफॉल्ट 4 लिया और लेंथ 25 लिया। अब मैंने नेम को क्या करा, ट्रिम लास्ट नेम, ट्रिम कर दिया लास्ट नेम को, अगर उसमें कोई अननेसेसरी स्पेस है उसे रिमूव कर दे, और ये जो हमारे ज्वाइन सिंबल्स होते हैं, ये मेरे ज्वाइन सिंबल्स हैं उनको जो होते हैं उनका यूज कर रहा हूँ कंकैटिनेट करने के लिए, और इसको सिंगल कोट में देखकर मैं दूसरे फर्स्ट लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को ज्वाइन कर रहा हूँ। अब मैंने अलेक्जेंडर रॉबिन्सन और 35 और 11 एन1 और n2 है उसको, उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं विद हेल्प ऑफ लेंथ स्टेटमेंट। तो लेंथ स्टेटमेंट से क्या है कि मेरे वेरिएबल की लेंथ 8 बाइट की है, मुझे उसको इंक्रीज करके 25 तक लेके जाना है। मैंने कहा यहाँ पे देखिए इसके अंदर जो हमने प्रॉप कंटेंट्स करा उसे नेम की वेरिएबल की लेंथ कितनी आ गई, कैरेक्टर की 25, बाय डिफॉल्ट जो अलग होती है उसकी, और उसने उसको इंक्रीज कर दिया। जैसे इनफॉर्मेट के अंदर हम कर रहे हैं, इनफॉर्मेट स्टेटमेंट से हमने 15 लेंथ कर दी उसकी, फॉर्मेटिंग फॉर्मेट जो थी उसकी 8 थी लेकिन मैंने उसको 15 में कर दिया। यहाँ पे जो नेम है अब इसके लेंथ जो है 25 कैरेक्टर्स है। तो लेंथ का इसलिए यूज करते हैं अपने डेटा की लेंथ, अगर मेरा डेटा काफी बड़ा है तो उसको मुझे प्रॉपर लेंथ देनी है, डिफॉल्ट कोई भी हो सकती है लेकिन जो आप मैक्सिमम उसके अंदर लेंथ दे दीजिए, ये जरूरी नहीं है कि वो 25 ही लेगा, हो सकता है अगर डिफॉल्ट 4 है तो 4 तो मिनिमम लेगा ही लेगा। ठीक है, तो लेंथ का फॉर्मेट का यूज करते हैं बेसिकली हमको डेटा को अपने मैनेज करने के लिए, डेटा को एक प्रेजेंटेबल बनाने के लिए। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर द सेशन।